इंडिया में जब भी कोई गाड़ी खरीदता है तो बहुत सी चीज़ें देखता है, उसमें मेन देखता है कि सीटिंग कैपेसिटी कितनी है, उसके अंदर स्पेस कितना मिल रहा है, और ऐसी गाड़ियों की डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा है इंडियन मार्केट में। इस मामले में मल्टीपर्पज़ व्हीकल यानी कि MPV कारें काफ़ी पॉपुलर हैं। लास्ट अगर मैं अगस्त की बात करूँ तो एक ऐसी गाड़ी है जो काफ़ी डिमांड में थी और उसकी सेल भी काफ़ी अच्छी हुई थी, और ये गाड़ी है टोयोटा की इनोवा क्रिस्टा। इस गाड़ी की सेल काफ़ी अच्छी हुई थी इंडियन मार्केट में, वो भी अगस्त के महीने में, मतलब 2021 की बात कर रहा हूँ मैं, और लोग इसे काफ़ी अच्छा खरीद भी रहे थे, क्योंकि 7 और 8 सीटर दोनों के ऑप्शन में आपको मिल जाती है कि आपको कौन सा ऑप्शन लेना है और आपकी फैमिली कितनी बड़ी है, आप उस हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग अगस्त महीने में टोयोटा ने अपनी इस कार की टोटल 5,755 यूनिट बेची हैं, जो कि पिछले साल से मतलब अगस्त 2020 से 96% ज़्यादा है। अगस्त 2020 के महीने में इसकी जो टोटल यूनिट बिकी थी वो बिकी थी 2,943 यूनिट, मतलब 2,943 यूनिट्स। इस MPV की सेल है डबल हो गई एक साल के अंदर, क्योंकि इंडिया के अंदर मैक्सिमम लोग ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं तो वहाँ पे मिनिमम लोग 5, 6 या 7 होते हैं, तो इसलिए इस गाड़ी की जो सेल है काफी एकदम से हाइक कर गई एक साल में, वो भी 96%। और टोयोटा ने इसका नया मॉडल भी निकाल दिया इंडियन मार्केट में, अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं यही बता दूं, इसका अपडेटेड मॉडल निकाल दिया इंडियन मार्केट में, मतलब फेसलिफ्ट मॉडल लॉन्च कर दिया है, जिसकी जो प्राइस है 16,42,000 से लेकर 24,99,000 तक जाती है। और जो टोयोटा ने इनोवा क्रिस्टा का फेसलिफ्ट मॉडल लॉन्च किया है वो टोटल 5 वेरिएंट में लॉन्च किया है, जो कि 7 सीटर और 8 सीटर दोनों के लेआउट्स में आपको अवेलेबल होती हैं। टोयोटा कंपनी ने अपनी इस गाड़ी के अंदर काफ़ी अच्छे फीचर्स भी दिए हैं और काफ़ी पावरफुल इंजन भी दिया है। टोयोटा इनोवा क्रिस्टा के अंदर आपको 2.7 लीटर का पेट्रोल इंजन और 2.4 लीटर का डीजल इंजन मिलता है, मतलब ये दोनों ऑप्शन आपको मिलते हैं, और इसका जो पेट्रोल इंजन है वो 166 PS का पावर देता है और 245 Nm का टॉर्क देता है। वहीं अगर मैं डीजल इंजन की बात करूँ तो वो 150 PS का पावर देता है और 360 Nm का टॉर्क देता है, और इन दोनों इंजन के अंदर आपको 5 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर, ऑटोमेटिक गियरबॉक्स मिलते हैं। और रही बात फीचर की, क्योंकि फीचर भी तो बताने पड़ेंगे ना कि इसके अंदर फीचर क्या क्या मिल रहे हैं अगर फेसलिफ्ट मॉडल है तो इसके अंदर आपको 8 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, जो कि एंड्रॉयड और एप्पल दोनों सपोर्ट करता है। और अगर मैं दूसरे फीचर की बात करूँ तो इसके अंदर आपको पावर ड्राइविंग सीट, एम्बिएंट लाइटिंग, ऑटो LED हेडलैम्प, क्रूज कंट्रोल, रियर पार्किंग सेंसर, 7 एयरबैग, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि EBD के साथ एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है, यानी कि ABS, क्योंकि BS6 नॉर्म चल रहे हैं। तो अगर आप लोगों की फैमिली भी बड़ी है, मतलब 7 लोग हैं या 7 लोगों के आसपास हैं, तो आप लोग इस गाड़ी की तरफ जा सकते हो, क्योंकि इसके अंदर टोयोटा कंपनी ने काफ़ी अच्छी फीचर्स दिए और काफ़ी अच्छा इंजन दिया, और टोयोटा कंपनी काफ़ी रिलायबल कंपनी है क्योंकि काफ़ी अच्छा इंजन बनाती है ये। इसके बारे में मैंने एक और पर्टिकुलर वीडियो बनाई कि क्यों टोयोटा कंपनी काफ़ी इतनी ट्रस्टवर्दी है और इतनी रिलायबल है। तो बाकी इस वीडियो से इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी तो आपको पता है क्या करना है, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।